शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, या भोजन के पाचन में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया की दर की इकाई क्या है, अपनों को आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान होने वाली अभिक्रिया कौन सी होती है, ऐसे ही त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी ऑब्जेक्टिव आज के इस वीडियो में मैंने समाहित किए हैं। मैं हूं बलवंत भंडारी और आप है मेरे चैनल गुरु एंड देव पर। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को किस प्रकार से हमने हल किया है। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जहां जाकर आप इस ऑब्जेक्टिव का एक MCQ का ऑनलाइन टेस्ट दे सकेंगे, ताकि आपको पता लग सके कि आपने आज के वीडियो से कितना सीखा। टेस्ट बार बार दें, जब तक दें कि पूरे में से पूरे अंक प्राप्त नहीं कर लें। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है त्रैमासिक परीक्षा के लिए भी और वार्षिक परीक्षा के लिए, विज्ञान कक्षा 9वीं। आइए समझते हैं प्रश्न स्टार्ट से करते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। पीएच मान की यदि हम बात करें तो 7 से कम अगर होता है तो अम्ल कहलाते हैं, 7 से ज्यादा होता है तो क्षार कहलाते हैं, और 7 नंबर वाला उदासीन होता है जो जल का पीएच मान है। लोहे में जंग लगना एक उदाहरण है, यानी रस्टिंग जो होती है, जंग लगना, वो किसका उदाहरण है, तो ये संक्षारण का उदाहरण है। ये उदाहरण है संक्षारण का, रस्टिंग। वे अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा मुक्त होती हो, वो अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा मुक्त होती हो, तो ऊर्जा मुक्त होने वाली अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया दर की इकाई क्या है, कोई अभिक्रिया होती है उसकी दर, यानी किस दर से अभिक्रिया संपन्न हो रही है, तो उसकी इकाई क्या है, तो इसकी इकाई है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड अभिक्रिया की दर की इकाई है। श्वसन एक अभिक्रिया है, तो श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, श्वसन के अंदर ऊष्मा मुक्त होती है, इसलिए श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। वे अभिक्रिया जिसमें प्रकाश का अवशोषण होता हो, यानी जहां लाइट एब्जॉर्ब होती हो, प्रकाश अवशोषित होता हो, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो यह अभिक्रिया कहलाती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। ताप व दाब बढ़ाने से अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कोई अभिक्रिया हो रही है उसका ताप दाब बढ़ा दें तो उससे क्या होगा, तो उसका अभिक्रिया की दर जो है वो बढ़ जाएगी, अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ जोड़कर नया पदार्थ बनाते हैं, तो यह है आपकी संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ जोड़कर नया पदार्थ बनाते हैं। भोजन के पाचन में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो भोजन के पाचन में जो अभिक्रिया होती है वो होती है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। आज जो हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं विज्ञान के त्रैमासिक परीक्षा की बात कर रहे हैं, माफ कीजिएगा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कक्षा 9 बता दिया था कि कक्षा 10 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो अभिक्रिया की गति जो है उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं सबसे पहले अभिकारकों की प्रकृति, अभिकारकों की प्रकृति। नंबर 2 पर आएगा आपका सांद्रण। नंबर 3 पर आएगा ताप और नंबर 4 पर आएगा उत्प्रेरक, यानी किसी अभिक्रिया को गति को प्रभावित करने वाले ये 4 मुख्य कारक हैं। बिना बुझे चुने और बुझे हुए चुने का रासायनिक सूत्र बताना है, बिना बुझा चुना और बुझा हुआ चुना। तो बिना बुझे चुने की बात करते हैं तो ये है CaO, ये है आपका बिना बुझा हुआ, और बुझा हुआ चुने की हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका CaOH2, ये है बुझा हुआ चुना। बुझा हुआ चुना यानी इसके अंदर पानी मिल गया है तो ये बुझा हुआ हो गया है, पानी के बाद मिलने के बाद ये बुझ गया है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड की यदि पानी के साथ रिएक्शन कराए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा चूना प्राप्त होता है। आयनों का आदान प्रदान होने वाली अभिक्रिया कौन सी होती है, आयनों का
आदान प्रदान। तो आयनों का आदान प्रदान जब होता है तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। विद्यार्थी मित्रों, ये छोटे छोटे प्रश्न मैंने जिस ढंग से ऑब्जेक्टिव के लिए बनाए हैं, ये आपके एक नंबर और दो नंबर की परिभाषाओं में भी इसी तरह से लिखा जा सकता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जिन अभिक्रियाओं में आयनों का आदान प्रदान होता है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एक घोल का पीएच मान 4 है तो वो घोल कौन सा होगा? तो हमने ऊपर पीएच मान की बात करी थी कि 7 से कम है तो ये अम्लीय प्रकृति का होगा। इसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय प्रकृति, एसिड प्रकृति का होगा। क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीय घोल का मान पीएच मान 7 से अधिक, या ऐसे भी लिख सकते हैं पीएच इज ग्रेटर देन 7, 7 से अधिक होता है। चाकू से आसानी से कौन सी धातु काटी जा सकती है? तो चाकू से आसानी से काटी जा सकने वाली धातु है सोडियम। सोडियम धातु को आसानी से काटा जा सकता है जिसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरे में, तो संतरे के अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड जिसको हम कहते हैं वो संतरे के अंदर पाया जाता है। जलीय विलयन में क्षारक कौन से आयन देते हैं? तो जलीय विलयन में क्षारक जो होते हैं वो ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड OH, ये ऑक्साइड आयन देते हैं, ऑक्साइड आयन देते हैं, सॉरी हाइड्रोऑक्साइड, हाइड्रोऑक्साइड OH ना, हाइड्रोऑक्साइड आयन देते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2, ये है आपका विरंजक चूर्ण। कई बार पूछे जाते हैं ये प्रश्न, वही प्रश्न मैंने आज के वीडियो में समाहित किए हैं। पीओपी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पीओपी जो है वो है CaSO4.1/2H2O, ये है पीओपी। पीओपी जिसकी मूर्तियां बनती है या घरों में छत बनाई जाती है सुंदरता के लिए, और किसी की हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उसको स्थिर रखकर यानी इलाज करने में इसकी सहायता ली जाती है, वह है पीओपी, कैल्शियम सल्फेट .1/2H2O। हल्दी प्राकृतिक क्या है? तो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, इंडिकेटर है, सूचक। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र है NaHCO3, NaHCO3, ये है आपके बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र। सिरके में पाया जाता है, तो सिरका जो है आपका उसके अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? तो चींटी का जो डंक होता है, चींटी के डंक के अंदर मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है, मेथोनोइक अम्ल उसमें पाया जाता है। और काटने के बाद हमें जो जलन या जो फीलिंग आती है, दर्द होता है, वो मेथोनिक अम्ल के कारण होती है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू के अंदर भी सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेटल के शाकी पौधे में, नेटल जो होता है एक शाकी पौधा है, इसका एक अलग से वीडियो भी बना रखा है मैंने, तो नेटल के शाकी पौधे में मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है, इसके अंदर भी मेथोनोइक अम्ल ही पाया जाता है। और जब ये इस पौधे की पत्तियां हमें टच हो जाती है तो हमें तेज जलन और दर्द महसूस होता है। टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखकर जोड़ने में किसका उपयोग किया जाता है? तो अभी हमने ऊपर बात करी थी पीओपी, पी का मतलब होता है प्लास्टर, इस ओ का मतलब होता है ऑफ, और इस पी का मतलब होता है पेरिस। ये पेरिस में हमको सबसे पहले मिला था इसलिए इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम से पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस वाली जो समीकरण है वो यहां पर आएगी। एक्वारिजिया क्या है? तो अम्लों का राजा एक्वारिजिया कहलाते हैं, इसको अम्लराज भी कहते हैं, ये कहलाता है अम्लराज। तो इसमें क्या करते हैं कि एक भाग नाइट्रिक अम्ल तथा 3 भाग सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी एक भाग नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाकर जो तैयार होता है वो कहलाता है अम्लराज एक्वारिजिया। जिप्सम का सूत्र क्या है? तो जिप्सम का सूत्र है CaSO4.2H2O,
हमने ऊपर कहा था जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, तो वो कैसे करते हैं, CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O है, जब इसको हीट देते हैं यानी गर्म करते हैं, और ये गर्म करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इसमें से डेढ़ अणु पानी का निकल जाता है, दो में से डेढ़ निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा CaSO4 डॉट 1/2 H2O प्लस डेढ़ अणु पानी का यहाँ से निकल जाता है। तो ये जो है ये है आपका जिप्सम और ये है POP, ये है POP। कीटभक्षी पौधा क्या है, तो कीटभक्षी पौधे जो होते हैं उसमें एक नाम आता है यूट्रिकुलेरिया, पीचर प्लांट और ड्रोसेरा, डायोनिया, ये वो पौधे हैं जो कीटों को खा जाते हैं, इनको मांसाहारी पौधे कह सकते हैं। ये पौधे क्या कहलाते हैं, मांसाहारी पौधे कहलाते हैं। गटपर्ण यानी इसमें वो भी आता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो पौधे की पत्तियों में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑक्सीकरण के दौरान एक अणु ग्लूकोज से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो होती है 38 ATP। एक अणु ग्लूकोज से जो ऑक्सीकरण होता है 38 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। अमीबा व पैरामेशन में श्वसन कैसा होता है, तो इसमें परासरण के द्वारा श्वसन होता है, परासरण क्रिया द्वारा श्वसन होता है। ग्रास हॉपर कीट में श्वसन कहां से होता है, तो ग्रास हॉपर कीट में श्वसन नाल के द्वारा होता है। इसमें पादप में जाइलम के क्या कार्य हैं, तो जाइलम जो है ये पौधों के अंदर जल का परिवहन करने में इनकी मुख्य रूप से जाइलम का रोल होता है। मच्छर क्या है परजीवी। अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना, यानी अपशिष्ट पदार्थ जो है वो शरीर से बाहर निकलते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो ये जो क्रिया कहलाती है उत्सर्जन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन, यानी वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, तो ये कहलाएगा अनाक्सी श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो तो ऑक्सी श्वसन, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो तो अनाक्सी श्वसन। मछली में श्वसन कहां से होता है, तो ये होता है गलफड़े जिसको हम गिल्स कहते हैं, गिल्स से होता है। पूर्ण परजीवी पौधे का नाम, यानी ऐसा पौधा जो पूर्ण रूप से परजीवी हो, तो यह है रेप्लिशिया। अब हम बात कर रहे हैं एक सही जोड़ी मेज द कॉलम, इधर ए भाग में है आपका अंडाशय, वृषण, शीरा, धमनी और न्यूरॉन। बी भाग में है टेस्टोस्टेरोन, अशुद्ध रक्त, एस्ट्रोजन, तंत्रिका तंत्र की इकाई और शुद्ध रक्त। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका है अंडाशय, तो इसका सही जवाब है एस्ट्रोजन, ये हो गया इसका पहला। वृषण जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स यहाँ से मिलते हैं। शीरा जो होती है उसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है, शीरा के अंदर अशुद्ध रक्त पाया जाता है जो बॉडी से हृदय तक जाता है। धमनी शुद्ध रक्त पाया जाता है, धमनी के अंदर जो होता है शुद्ध रक्त पाया जाता है जो हृदय से पूरी बॉडी में जाता है। और न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की एक इकाई है न्यूरॉन। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मस्तिष्क को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो मस्तिष्क को तीन भागों में विभाजित किया गया है, अग्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क।
ये इसके तीन भाग होते हैं। निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष का निवारण जो हम करते हैं वो अवतल लेंस लगाकर किया जाता है। अवतल लेंस का चश्मा लगाकर निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष की बात करें तो वहां पर उत्तल लेंस का उपयोग करके लगाएंगे। स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम और अधिकतम दूरी कितनी है? तो जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर, वो है 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम दूरी जो होती है स्पष्ट दृष्टि की वो होती है अनंत। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी अनंत। गोली दर्पण का दर्पण सूत्र क्या है? तो गोली दर्पण का दर्पण सूत्र है 1/f = 1/v + 1/u। ये है आपका दर्पण सूत्र। और यदि लेंस सूत्र पूछे तो माइनस हो जाएगा। जब आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसका क्या होता है? यानी विरल से सघन में जा रहे हैं तो वो अभिलंब के पास आ जाती है, पास में झुक जाती है, अभिलंब के पास झुकती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। और यदि ये उल्टा है अपन के सघन से विरल में जाएंगे तो अभिलंब से दूर चली जाएगी। स्ट्रीट लाइट में प्रयुक्त परावर्तक दर्पण कौन सा होता है? स्ट्रीट लाइट में प्रयुक्त परावर्तक दर्पण जो होता है वो जो दर्पण होता है वो होता है उत्तल दर्पण। ये जो स्ट्रीट लाइट रहती है इसमें इस तरह से रहता है, तो जो इस तरह से वो चारों दिशाओं में उस लाइट को फैला देती है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है डाइऑप्टर। डाइऑप्टर किस दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है? तो समतल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी अनंत होता है, इन्फिनाइट होती है। रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है? रेगिस्तान की जो मरीचिका है वो किस क्रिया का उदाहरण है? तो यह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्रिया के कारण रेगिस्तान की मरीचिका दिखाई देती है। वाहनों के साइड मिरर जो होते हैं, वाहनों के साइड मिरर जो होते हैं वो उत्तल दर्पण होते हैं, तब उत्तल दर्पण का उपयोग भी हम यहां इसको लिख सकते हैं। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी f = r/2। और इस पे कई बार सवाल पूछा जाता है, अगर f दे तो आप r के लिए उसे डबल कर दो, और r दे f निकालना हो तो उसको आधा कर दो। अवतल दर्पण के उपयोग बताना है तो अवतल दर्पण के उपयोग हो गया दाढ़ी बनाने में, हजामत बनाने में, डॉक्टर द्वारा नाक कान गले के इलाज के लिए, और टार्च में, सर्च लाइट में, और सौर भट्टी में इसका उपयोग किया जाता है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो तारों के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, तो सूर्यास्त के समय सूर्य लाल जो दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्यास्त के समय या सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो आंख का जो रंगीन भाग है वो कहलाता है परितारिका। वो कहलाता है परितारिका। मानव नेत्र का कौन सा भाग नेत्र में प्रविष्ट प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? जो लाइट हमारी आंख के अंदर पड़ रही है उसको कंट्रोल कर कौन करता है आंख के अंदर? तो वो है पुतली। पुतली के द्वारा ये नियंत्रित किया जाता है। वर्णक्रम क्या है? तो वर्णक्रम जो होता है श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में टूटना वर्णक्रम कहलाता है। और ये रंग होते हैं, इनकी संख्या होती है 7। और हमने इसमें जो याद किया था वो था VIBGYOR या बेजानी पीनाला,
लेकिन लिखने का क्रम नीचे से ऊपर की ओर है। तो यहाँ पर इस बात को हमें याद रखना पड़ेगा कि सबसे अधिक विचलन जो होता है वो सबसे नीचे वाले कलर का यानी बैंगनी कलर का होता है और सबसे कम विचलन जो सबसे कलर ऊपर आता है वो है आपका लाल, यानी लाल रंग का विचलन सबसे कम और बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो इसके दो मुख्य कारण है। नंबर एक, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, या नंबर दो हम कह सकते हैं नेत्र गोलक लंबा हो जाना। नेत्र गोलक लंबा हो जाना, इससे होता है आपका निकट दृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष इसके सेम अपोजिट लिख सकते हैं। यहां हमने पहले पॉइंट में लिखा है नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, तो यहां हो जाएगा वक्रता कम हो जाना, और यहां लिखा था हमने नेत्र गोलक लंबा हो जाना, तो यहां हो जाएगा नेत्र गोलक संकुचित हो जाना यानी सिकुड़ जाना, तो प्रतिबिंब दूर जाकर बनेगा। आज का वीडियो मित्रों लंबा जरूर है, लेकिन त्रैमासिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने सम्मिलित किया है और इतना जो आपके MCQs सारे इसमें समाहित हो जाएंगे। वीडियो आपने आखिर तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय जिनेंद्र।